हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके रेनु मैम, संस्कृत मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देवानी संस्कृत पाठमाला भाग चार, सप्तम पाठ, चत्वार मूर्खा पंडिता। चार मूर्ख पंडित, उनके बारे में जानते हैं। चारों कैसे थे तो वो पंडित, लेकिन वो मूर्ख थे। कैसे मूर्ख थे इसके बारे में जानते हैं हम। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको अच्छा लगेगा। कस्मिश्चित ग्रामे चत्वार सखाय आसन। किसी गांव में चार मित्र रहते थे। तेषु त्रय शास्त्रेषु तु परंगता परम व्यवहारे बुद्धि रहिता आसन। वो उनमें से तीन जो थे वो शास्त्रों में निपुण थे, बहुत शास्त्र के ज्ञानी थे, परंतु व्यवहार में वो बिल्कुल बुद्धि रहित थे, मूर्ख थे। परंतु एक अप्रय शास्त्रम तु न जानाति स्म परम बुद्धिमान आसीत। परंतु उनमें से एक ऐसा था वो शास्त्रों को तो नहीं जानता था, परंतु वो बुद्धिमान था। अब इनमें क्या अंतर था? तीन बहुत शास्त्रों को जानते थे परंतु बुद्धिमान नहीं थे, और एक जो था चौथा वो शास्त्रों को नहीं जानता था फिर भी वो बुद्धिमान था। क्या हुआ? एक धाम ते निश्चय कृतवंत यत वयम देशांतरम गत्वा महाराजस्य पुरत स्वज्ञानस्य पंडित्यस्य च प्रदर्शनम करिष्यामि। एक बार उन्होंने निश्चय किया कि हम सब दूसरे देश में जाकर महाराज के सामने अपने ज्ञान का अपनी बताएंगे कि हम कितने ज्ञानी हैं, और अपने उसका प्रदर्शन, पांडित्य का, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करेंगे। एतद् एवं चिंतित्वा ते देशांतरम प्रस्थितम्। ऐसा विचार करके उन्होंने बाहर जाने का, देश से बाहर जाने का के लिए प्रस्थान किया। मार्गे ते एकस्य मृत सिंहस्य अस्थीनि दृष्टवान्। रास्ते में उन्होंने एक मरे हुए शेर की हड्डियां देखी। तदा तेषु एकः उक्तवान्, उनमें से एक ने कहा, भो सुहृद, अरे मित्र, अस्माकं विद्या परीक्षितुम् एकः अवसरः लब्धः। हमारी विद्या की परीक्षा के लिए एक अवसर हमें मिल गया है। वयम् एतं एनं सिंहं जीवितं कुर्मः इति, हमें इस शेर को जीवित कर देना है। ये आपस में चार थे ना, तीन तो मैंने बताया आपको नीत, वो बहुत शास्त्रों के बारे में जानते थे पर मूर्ख थे। एक को शास्त्रों का ज्ञान नहीं था परंतु वो बुद्धिमान था। अब इन्हें रास्ते में जब शेर की हड्डियां मिली तो इन्होंने विचार किया कि हम क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, हम राजा को ही दिखाएंगे, इसको शेर को जीवित कर देते हैं अपनी विद्या से। जो उनके अंदर विद्या थी उससे उन्होंने कहा हम इस शेर को जीवित कर देंगे। एवं उक्तवान् सह सिंहस्य अस्थिनि योग्य क्रमेण योजितवान्। ऐसा कहकर उसने शेर की हड्डियों को एक एक करके इकट्ठा करना योग्य क्रमेण इकट्ठा किया। तदा द्वितीय तत्र रक्त मांस चर्मादिकम योजितवान। दूसरे ने क्या किया, वहां पर जो उसका खून, रक्त और मांस बह रहा था उन सबको इकट्ठा किया। तदंतरम यदा तृतीय प्राणदानम कर्तुम उद्यत, तब तीसरा उसके अंदर प्राण लाने के लिए, उसके अंदर उसको जिंदा करने के लिए तैयार हो गया। तदा शास्त्र ज्ञान रहित है चतुर्थ उक्तवान, जिसको कि शास्त्र का ज्ञान नहीं था, उस चौथे ने कहा, एतस्य जीवन दानम माम कुरु, इसको जीवन दान मत दो, यदि एष सिंह जीवित भविष्यति, यदि ये शेर जीवित हो जाता है तरही अस्मान मारिष्यति, तो ये हम सबको खा जाएगा। तत् श्रुत्वा तृतीय उक्तवान, ये सुनकर तीसरे ने कहा, हे मूर, अहम अपि एवं विद्याया परीक्षां करिष्यामि, मैं तो इसकी अपनी विद्या की परीक्षा करूंगा, अतः अहम जीवन दानम तू अवश्यम करिष्यामि, इसलिए मैं इसका, इसको जीवन दान जरूर दूंगा। उसने कहा हमें तो ये विद्या आती है कि जो मर गया है उसको जीवित कर देंगे और राजा के पास ये दिखाएंगे कि हम कितने ज्ञानी है। उन्होंने उसको, उसने कहा मैं तो जरूर करूंगा, उसको जीवन दूंगा। तदा चतुर्थ अवदत, तब चौथे ने कहा, तरही मूर्त तिष्ठतु, तब कुछ देर रुको, अहम वृक्षम आरोहम, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। एकम वृक्षम आरूढ़वान, यह कहकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। तृतीय सिंहस्य जीवन दानम कृतवान, तीसरे ने उस शेर को जीवन दे दिया, उसमें प्राण डाल दिए। जीवित है भूतवा, जीवित होकर सिंह तान पंडितान हत्वा खादितवान, और जीवित होकर उस शेर ने क्या करा, उन पंडितों को मारकर खा लिया। तृप्तया ततः निर्गत च, और वो संतुष्ट होकर वहां से चला गया। तदनंतरम चतुर्थ वृक्षतः अवतीर्य ग्रामम प्रत्यागतवान, अब वो चौथा जो था वो पेड़ से उतरकर अपने गांव वापस चला गया। अतः पंडिता वदन्ति, इसलिए पंडित लोग बोलते हैं, विद्या अपेक्षया बुद्धि एव गरीयसी, विद्या की अपेक्षा
बुद्धि बड़ी होती है। विद्या तो सभी प्राप्त कर लेंगे मान लो, लेकिन उस विद्या का जो हम प्रयोग करेंगे उसको अपनी बुद्धि से करना चाहिए ना, जैसा उन मूर्खों ने नहीं किया। मूर्खस्य ज्ञानम अनर्थस्य कारणम, मूर्खों का ज्ञान जो होता है वो अनर्थ का कारण हो जाता है। जैसा कि इसमें हो गया, वो बार बार समझा रहा था कि तुम इसको जीवित मत करो, ये तुम्हें मार देगा, लेकिन उनको तो लग रहा था हम राजा के सामने अपनी विद्वता दिखाएंगे, अपने पांडित्य को दिखाएंगे, और उन्होंने नहीं माना, और इस प्रकार उन्होंने शेर को जीवित कर दिया और शेर ने उन तीनों को खा लिया। तो क्या कहा उन्होंने कि विद्या से बड़ी क्या है, बुद्धि है, और मूर्ख का ज्ञान जो है वो अनर्थ के लिए होता है। तो बच्चों आपको अच्छी लगी है स्टोरी, चार जो मूर्ख पंडित थे उनकी स्टोरी। अब हम इसके कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। तस्मिश्चित ग्रामे, किसी गांव में, सखाय माने मित्र, बहुत सारे मित्र, पारंगता माने निपुण, बुद्धिहीता बुद्धि से रहित यानी कि मूर्ख, अपरह माने अन्य या दूसरा, निश्चय कृतवंते माने निश्चय किया, महाराजस्य कृते माने राजा के सामने, ज्ञानस्य माने ज्ञान का, दृष्टवंते माने देखा, उक्तमान बोला, परीक्षितम माने परीक्षा करने के लिए, और अवसर है माने अवसर या मौका, लब्ध है माने प्राप्त हो गया, एवं उक्तवा ऐसा कहकर, योग्य क्रम माने निश्चित क्रम से, और योजित माने योजितवान लगा दिया, उद्यत है माने तैयार, मा मत यानी कि नहीं, तरही माने तो, मुहूर्तम माने क्षण भर, तिष्ठतु माने रुक जाओ, आरुणवान माने चढ़ गया, हत्वा माने मार कर, खादितवान माने खा गया, तृप्तया तृप्त होकर, ततः माने वहां से, निर्गत माने चला गया, गरियसी श्रेष्ठ, अनर्थस्य कारण माने अनर्थ का कारण। तो इस प्रकार बच्चों ने पाठ में आए हुए शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। आपको ये शब्द और ये अर्थ आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हमारा है अभ्यास कर, एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमें। चत्वार है मूर्ख पंडिता किम निश्चय कृतवंत है, ये निश्चय किया चारों मूर्ख पंडितों ने कि हम देश से बाहर जाएंगे और राजा को अपनी ज्ञान के अपने पांडित्य के बारे में बताएंगे। मार्गे ते किम दृष्टवंत है, मार्गे ते सिंहस्य अस्थीनी दृष्टवंत। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सिंहस्य अस्थीनी दृष्टवा प्रथमे द्वितीय च किम अपूर्ताम, पहले और दूसरे ने सिंह की अस्थियों को देखकर क्या किया, प्रथम सिंहस्य अस्थीनी क्रमेण योजितवान, क्रम से इकट्ठा किया, द्वितीय सिंहस्य रक्त मांसादि योजितवान, दूसरे ने खून और मांस आदि इकट्ठा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र रहित चतुर्थे की मुक्तवान, शास्त्र रहित चौथे ने क्या कहा, उसने कहा एतस्य जीवनदानम मा कुरु, इसको जीवनदान मत दो, जीवित भूतवा सिंह किम अकरोत, जीवित भूतवा सिंह तान हंतवा जीवित है भूतवा सिंह है किम अकरोत, जीवित होने पर शेर ने क्या किया, जीवित है भूतवा सिंह है तान पंडिता हत्वा खादितवान, उनको मारकर खा लिया उसने। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, एवं चिंतित्वा ते देशांतरम प्रस्थिता। नेक्स्ट, सह सिंहस्य अस्थिनी योग्य प्रमेण योजितवान। नेक्स्ट है फिर, अहम अपि स्वविद्याया परीक्षणम करिष्यामि, एतस्य जीवदानम मा कुरु, विद्या अपेक्षया बुद्धि एव
गरेयसी। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ रिक्त स्थान और उनकी पूर्ति की। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है सही विकल्प चुनकर सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला है कस्मिश्चित ग्रामे सखाए आसन त्रय चत्वार पंच। कौन थे, कितने थे, चत्वार। मार्गे ते कस्य मृत अस्थिनी दृष्टवंत मृत सिंहस्य गजस्य रस्य मृत सिंहस्य। द्वितीय सर्वायोजितवान अस्थिनी योग्य कमेण या रक्त मास चर्मादिकम या जीवन दानम। दूसरे ने रक्त मास चर्मादिकम योजित। एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों हमारी, कुछ वाक्य दिए हुए संस्कृत में जिनका कि हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तेषु त्रय शास्त्रेषु च पारंगता परम व्यवहारे बुद्धि रहिता आसन। उनमें से तीन शास्त्रों में पारंगत थे और परंतु व्यवहार में बुद्धिहीन थे। तीन शास्त्रों में पारंगत थे या निपुण थे परंतु व्यवहार में बुद्धिहीन थे। दूसरा है एक है अपर शास्त्रम तू न जानाती स्म परम बुद्धिमान आसीति। उनमें से एक शास्त्र नहीं जानता था परंतु बुद्धिमान था। नेक्स्ट है मार्गे ते कस्य मृत सिंहस्य अस्थिनी दृष्टवन्तः। रास्ते में उन्होंने एक मरे शेर की हड्डियां देखी। नेक्स्ट है फिर बच्चों वयम एनम सिंहम जीवितम कुर्मः। हम सबको इस शेर को जीवित करना चाहिए। नेक्स्ट है एतस्य जीवन दानम मा कुरु, इसको जीवन दान मत दो। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 5, कुछ वाक्य दिए हुए जिनका कि हमें संस्कृत में अनुवाद करना है इनका। किसी गांव में 4 किसान रहते थे। कस्मिश्चित ग्रामे चत्वारः कृषकः निवसन्ति स्म। इसे जीवित मत करो। अस्य जीवनम मा कुरु, वे व्यवहार में बहुत कठोर थे परंतु परिश्रमी थे। ते व्यवहारे अतीव कठोरा सन्ति किंतु उद्यमशीलः सन्ति। मूर्ख का ज्ञान अनर्थ का कारण होता है। मूर्खस्य ज्ञानं अनर्थस्य कारणम भवति। विपरीतार्थक शब्द हैं ग्रामे नगरे शास्त्रेषु अशास्त्रेषु ज्ञानम अज्ञानम सखा होता है मित्र और रिपु शत्रु बुद्धिमान मंद बुद्धि जीवनम मरणम। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द के बारे में जाना बच्चों। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो उनका संस्कृत वाक्य में प्रयोग करो। दरिद्र का अर्थ है गरीब। स दरिद्र अस्ति। मूर्ख पंडिता ते
मूर्ख पंडितः आसन योग्यक्रमेण ते योग्यक्रमेण अस्थीनि योजितवान् खादितवान् ते भोजनं खादितवान् आरूढवान् ते रथम् आरूढवान् चढ़ गए अर्थ इसका खादितवान् खाया योग्य क्रमेण क्रम के अनुसार मूर्ख पंडित बुद्धू पंडित दरिद्र गरीब। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इनका अर्थ लिखकर शब्दों का उनको वाक्य में प्रयोग किया। ततु प्रत्यय युज कर क्रियाओं में ततु प्रत्यय जोड़कर निम्नलिखित क्रियापद लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 8, इसमें क्रिया है पठ, प्रत्यय है त्वतु और शब्द बनेगा पठित्वा। इसी प्रकार खेलना, खेलना प्रत्यय वही त्वतु है, त्वतु प्रत्यय है सब में, यहाँ बनेगा खेलितवान। पिब है, यहाँ है पिबतवान। क्रह है कृतवान। नृत है नाचना नृतवती। खाद है खादितवान। तो इस प्रकार हमने त्वतु प्रत्यय लगाकर ये शब्द बनाए। एक्सरसाइज नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। कर्तुम माने करने के लिए, पारंगता निपुण, लब्ध प्राप्त करना, तरहि माने तो, तिष्ठतु माने रुको या बैठो, वृक्षतः वृक्ष पर, अनर्थस्य अनर्थ का, आरोहामी माने चढ़ता। एक्सरसाइज नंबर 10, पाठ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को ठीक करके लिखना है। यह है कस्मिश्चित नगरे चत्वारे शत्रवयासन, किसी नगर में चार शत्रु रहते थे। कस्मिश्चित नगरे चत्वार है सखाया आसन। ते सर्वे शास्त्रेषु पारंगता आसन, वो सभी शास्त्र में पारंगत थे। नहीं, तेषु त्रय शास्त्रेषु पारंगता आसन। ते अन्यम ग्रामम गंतुम निश्चयम कृतवन्तः, ते देशांतरम गत्वा निश्चयम कृतवन्तः। ते ग्रामे एकस्य भल्लुकस्य अस्थीनि अपश्यन्, ते ग्रामे मार्गे एकस्य सिंहस्य अस्थीनि अपश्यन्। विद्या अपेक्षया बुद्धि एव गरियसी, ये बिल्कुल सही है, विद्या अपेक्षया बुद्धि एव गरियसी। तो हमने इनको पाठ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को सही करके लिखा इनको। एक्सरसाइज नंबर 11 है बारी, बच्चों इनको देखो, इनको देखकर लिखो। अस धातु के रूप लंग लकार में तीनों वचनों। एक्सरसाइज नंबर 11, इन्हें लिखो अस धातु के रूप लंग लकार में तीनों पुरुष तीनों वचनों में लिखने हैं। पहला है अस धातु के आसीत आस्ताम आसन, आसी आसी आस्तम आसन, आसम आसव आसम। तो इस प्रकार हमने अस धातु के रूप लंग लकार में यानी कि भूतकाल में लिखे। हमारा ये रचनात्मक कार्य है बच्चों, एक्टिविटी कार्य है। बुद्धिमान व्यक्ति, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, कोई अन्य कथा उसकी, कोई अन्य कहानी हिंदी में लिखनी है आपको और अपने अध्यापक को दिखाइए। ये आपका होमवर्क है, एक्टिविटी आपकी, किसी बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी, मूर्ख की नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी आपको।
दिखानी है, पाठ कैसा लगा आपको, चार मूक ब्राह्मण कैसे लगे आपको, तीनों को शास्त्र का ज्ञान था लेकिन बुद्धि नहीं थी, एक को शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं था लेकिन फिर भी वो बुद्धिमान था। तो हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, बुद्धि बड़ी होती है शास्त्रों से ज्यादा, विद्या से ज्यादा बुद्धि बड़ी मानी जाती है, तो इस प्रकार बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।